थॉट डिसऑर्डर टर्निंग टू ओसीडी, ये केस स्टडी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तज्ञ हूँ, व्यसनमुक्ति तज्ञ भी हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का अपने माँ बाप को लेकर मेरे पास में है, 18 साल का लड़का है, अभी 12th में पढ़ रहा है, डॉक्टर होने की उसकी इच्छा है और उसको बार बार हाथ धोना पड़ता है। हाथ धोना ऐसा लगता है कि बार बार हाथ धोना चाहिए, बार बार स्नान करना चाहिए और बार बार विचार आते रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये कब से है, बोले 4 साल से। तो आप मेरे पास में कैसे क्या आ गए, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ बोल रहे थे कि हमने तो उसको लाया नहीं, ये लड़का हमको बोल रहा है कि हमको डॉक्टर केळकर के पास में जाने का है और इसलिए हमने उसको लाया नहीं, उसने हमको यहाँ लाया कि चलो मेरा इलाज करो। मतलब ये कैसा क्या हुआ, बोले कि ये उसको लड़के को जब पूछा तो उसने नेट पे ये सर्च किया कि थॉट डिसऑर्डर, ऐसा सर्च किया। फिर थॉट डिसऑर्डर में उसने बार बार के थॉट आते, कौन से थॉट आते, उसमें क्या होता, वो सर्च किया तो उसको मालूम पड़ा कि ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर वहाँ से उसने डाला ओसीडी तो उसको मेरा वीडियो देखने मिला। उसने वीडियो देखा, बोले कि यार मेरे को तो ओसीडी है। तो पहले क्या था कि उसको ऐसे बहुत ही इरिलेवेंट थॉट्स आते थे, कुछ भी ऐसे थॉट आते थे, मगर वो बार बार नहीं थे, रिपीटेडली नहीं थे, कुछ तो भी ऐसे अजनबी विचार आएंगे और ऐसे फालतू विचार आके फिर वो निकल जाएंगे, फिर ये पढ़ाई करेंगे, मगर वो विचार पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे थे। और बाद में फिर धीरे धीरे उसको बहुत ही रिलेवेंट मगर रिपीटेड थॉट्स आना चालू हो गए, वही विचार और बहुत ही फालतू कुछ तो भी विचार आएंगे, जैसे आसमान नीले रंग का क्यों है, इसका रंग सफ़ेद होता तो क्या हो जाता था, पंतप्रधान मोदी जो है वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे कुछ तो भी अजनबी ऐसे विचार उसको आ जाएंगे, मैं पानी में क्यों नहीं गिरता, पानी में गिरा तो मर जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे विचार आने लगे उसको, बार बार रिपीट होने लगे। फिर बार बार वो विचार निकलने के लिए ऐसा थू थू करता था, वो कंपल्शन कि वो विचार निकल जाएंगे इसलिए थूकना थोड़ा सा, मतलब वो थूक बाहर नहीं आती, सलाइवा बाहर नहीं आता था, मगर थू थू करता था। और फिर बार बार फिर हाथ धोना और स्नान करना ये चालू हो गए। पेरेंट्स बोले कि हमको बहुत फिक्र लग गई है, आपके पास में लाया तो आपको, आपके डॉक्टर तो ऐसे, आपका नाम ऐसा है कि भाई आपका हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है क्या, बोले आपका नाम जब हमारे लड़के ने लिया हमको लगा भाई कितनी बड़ी बीमारी होगी, करना ही कैसे क्या, बोले नहीं बीमारी बड़ी नहीं है, वो कुछ पागल नहीं है, मगर इसका इलाज तो करना पड़ेगा, ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बोले ठीक है हम करने को तैयार है, बोला भाई आप कुछ दवा लो। लड़का बोले मेरे को दवा तो बिल्कुल लेने की नहीं है, मेरे को अभी 12th है, आपकी दवा लूँगा मैं तो मेरे को नींद आएंगी और मुझे एलोपैथी की दवा होना ही नहीं है। बोले ठीक है हरकत नहीं है, हम आपको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाएंगे, हिप्नोटिज्म, उसके साथ साथ हम उसको एवर्शन थेरेपी सिखाएंगे और उसके साथ साथ हम उसको काउंसिलिंग करेंगे और विचार जो बार बार है वो तोड़ने के लिए जो भी हमारे पास में अलग अलग मेथड्स है उससे हम आपका इलाज करेंगे। दवाई लेना है मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एग्री हो गया कि भाई मैं कल से आ जाऊँगा, ऐसा उसने बोला कि मैं नेक्स्ट डे से आता हूँ और आपके यहाँ का इलाज कर लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस तरह होता है कि लोगों को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि साइकेट्रिस्ट का इलाज करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए, ना पेरेंट्स को मालूम है, ना पब्लिक को मालूम है, ना जनता को मालूम है। काफ़ी सारी जनता ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कम अधिक मात्रा में ग्रस्त है, उनको मालूम ही नहीं कि इसका इलाज हो सकता है। अभी बाय चांस बाय लक बोलो उसने वो नेट पे सर्च किया और उसको वो मिल गया करके वो मेरे पास में आया, अदरवाइज 4 साल से वो कहीं गया भी नहीं और किसके पास में जाके उसने उसका इलाज भी नहीं किया। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, या आपको लगा तो आपने जब शेयर करते ना तो आप हमारा जो मिशन है उसमें आप हमारे सहकारी बन जाते हैं। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, तो आप हमारे पार्टनर बन जाओ, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।